अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। इसके लिए हमने लिया है खोया 250 ग्राम और पनीर 125 ग्राम। आज हम खवा और पनीर के गुलाब जामुन बनाएंगे। ये दोनों को हम मिक्स करेंगे और इसके लिए हमने लिया है ये 400 ग्राम चीनी ली है और ये मैदा है। इसमें जितना लगेगा उतना ही हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे वरना हमारे गुलाब जामुन कड़क हो जाएंगे। और ये तेल हमने तलने के लिए लिया है। अभी हम चाशनी को पकने के लिए रखेंगे। इसके लिए हम ये 1 लीटर पानी लेंगे। ये 1 लीटर पानी में हम ये 400 ग्राम चीनी डालेंगे। इतनी काफी हो जाएगी। अगर आपको और ज्यादा मीठा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। हमको सिर्फ चिपचिपी चीनी बना ये बनानी है चाशनी, तार वाली नहीं बनानी है। इसको हम पकने दें। इसी में हमने ये इलायची पाउडर भी डाल देनी है और इसको खोया को और पनीर को अच्छे से मलकर मिक्स कर देना है। और मलते मलते ही इसमें हमने मैदा मिक्स करना है, जितना हो सकता है उतना ही मिला। देखिए इसको अच्छे से मल लीजिए। आराम से थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालें। इसमें हमको कोई सोडा वड़ा नहीं डालना है, सिर्फ मैदा ही जाएगा इसमें। सिर्फ हमारी मलने की ही मेहनत है इसमें। जितना अच्छे से मलेंगे हमारे गुलाब जामुन उतने ही अच्छे बनेंगे, हलवाई से भी अच्छे बनेंगे। देखिए हमारा ये गूंद कर हो गया है। इतने बैटर में हमारा 1 कटोरी आटा, इतना आटा बच गया है। इतना हमने ले लिया है। इतना सॉफ्ट हमको चाहिए। ज़्यादा हम कड़क नहीं करेंगे वरना हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। अभी हमको जितने बड़े गोले चाहिए उतने बना लेंगे, क्योंकि फ्राई करने के बाद में भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे वो, और फूलने के बाद में और थोड़े बड़े हो जाएंगे। उस हिसाब से अभी आपको जितने भी बड़े चाहिए आप अपने हिसाब से बना लें। प्लेन बना लें, बिल्कुल ऊपर से लाइन नहीं रहनी चाहिए वरना आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं दिखेंगे। बिल्कुल चिकने ऐसे कर लें। देखिए देखिए ये हमारे गोले बनकर रेडी हो गए हैं। हमने इतनी साइज वाले बनाए। देखिए बिल्कुल हमारे गोलों पर बिल्कुल लाइन वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल चिकने बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। हमको इतनी ही चाहिए, हमको इसकी तार नहीं लेनी है, सिर्फ चिपचिपा करना है। ठीक है, अभी हम इसको बंद कर देंगे। अभी हम तेल रख देंगे। ये ऑयल हमारा गरम हो गया है। हमको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन जल जाएंगे। हमको ये छोटी सी पहले गोली डालकर देखना है। ये बिल्कुल सही है। अभी हम डाल देंगे। गैस अगर बड़ा होगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे ना, इसलिए हमको गैस को स्लो ही रखना है। जैसे ही ये होंगे अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आएंगे। देखिए स्लो गैस पे ही हमारे गुलाब जामुन अपने आप ही फ्राई होकर अपने आप ही आ रहे हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सही। इसको होने दे। देखिए माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन का कलर कितना अच्छा आया है। हमको इतना ही कलर चाहिए।
और फ्राई होने के बाद ही हमारे गुलाब जामुन फूल कर इतने हो गए हैं चाशनी में जाने के बाद, और थोड़े बड़े हो जाएंगे। बस इतने ही हमको फ्राई करना है। आपको थोड़े डार्क करना है तो आप कर सकते हैं, बस हम निकाल लेंगे। चाशनी में आप बहुत गरम गरम ना डालें, वरना फट से घुल जाएंगे, वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। चाशनी भी थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए और गुलाब जामुनों को भी थोड़ा सा ठंडा होने दें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। ऐसे तो हम अगर भिगाने के बाद में हम एक घंटे में भी खा सकते हैं, लेकिन हमारा ये ओवरनाइट भीग गए हैं, बहुत ही अच्छे हो गए हैं। मैं आपको सर्व करके भी बताऊंगी और इसको कट करके भी बताती हूँ मैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे, आप जरूर ट्राई करें। माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।